हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने बताया था आपको स्क्वायर पाइप के सर्कुलर पाइप के बारे में। आज हम बताएंगे आपको स्क्वायर पाइप के बारे में, ठीक है ना। आज हम इसका 1 मीटर लेंथ के लिए वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन 1 मीटर वेट MS स्क्वायर पाइप। तो देखिए, ये MS स्क्वायर पाइप या MS ट्यूब भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ट्यूब की तरह होता है इसलिए MS ट्यूब भी बोलते हैं। तो इसका साइज है, आउटर साइज इसका 100x100 है, ठीक है। इसकी थिकनेस 1.5 mm है, 1.5 मतलब इधर से भी 1.5 जाएगा, इधर से भी 1.5 जाएगा। तो 100 में से 3 mm चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 97 mm, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम, वही फॉर्मूला रहेगा, मास का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एरिया क्या है, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी है हमारी डेंसिटी ऑफ स्टील, ये है हमारी 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी एक क्यूबिक मीटर में 7850 वेट होता है, ठीक है ना। ये स्टील की डेंसिटी है हमारी। तो डेंसिटी क्लियर है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ उठा कर रखना है। अब बात आती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए हमें, और 1 मीटर की लेंथ चाहिए, क्योंकि 1 मीटर के लिए निकालना है हमको, तो 1 मीटर की हमको लेंथ चाहिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, MS स्क्वायर पाइप क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या है हमारा, जो बड़ा स्क्वायर है उसका क्या है साइज, 100 mm, और जो छोटा है उसका स्क्वायर, जो हमारा स्क्वायर का एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, ठीक है ना। ये स्क्वायर डाल देते हैं उसमें तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं। तो ए क्या है, साइड है, ये वाली साइड, बड़ी वाली साइड है, ठीक है। ए कितना है, 100 mm, 0.1 मीटर। इसको 1000 से जब डिवाइड कर देंगे वो मीटर में निकल के आ जाएगा, 0.1 मीटर। छोटा वाला ये 97 कैसे है बताया ना मैंने, 100 में से 3 mm इधर चला गया, 1.5 mm इधर चला गया, यानी 1.5 माइनस 1.5, तो कितना बचेगा, ये 97 बचेगा, अंदर का साइज बचेगा 97 mm, यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक ये 100 है। तो दोनों निकल गया, क्लियर। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे हम। तो कैसे रखेंगे, एरिया 1 ए स्क्वायर, यानी 0.1 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 × 0.1, तो कितना निकल के आएगा, ये 0.01 आ जाएगा स्क्वायर मीटर, ये एरिया आ गया इसका, ठीक है। अब हमें A2 निकालना है, A2 मतलब ए स्क्वायर कितना है, 0.097 का स्क्वायर, ये हुआ ना। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0.097 मीटर ये आ जाएगा एक साइड 97 वाले। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो बार, 0.097 × 0.097 कितना आएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से लेना है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0.097 × 0.097, ये हो जाएगा 0.009409
स्क्वायर मीटर, ठीक है, 0.00909049 ये आ गया, ठीक है। अब इसको उठा के सीधा इसमें रख देना है और इसमें रख देना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये एमएस स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 - 0.009409, इसमें से माइनस कर देंगे इसको 0.01 - 0.009409 तो आ जाएगा ये 0.000591 स्क्वायर मीटर आ गया। इसमें से इस वाले एरिया में से हमने इसको माइनस कर दिया, इस वाले एरिया में से इसको माइनस कर दिया, तो इसको इधर रख दिया, इसको उठा यहाँ रख दिया, तो इसको माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा एरिया। अब वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना हमारा 0.000591 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 मीटर, तो ये निकल गया 0.000591 ये क्यूबिक मीटर आ गया वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में। यहां रख देंगे तो मास कितना हो जाएगा, मास डेंसिटी इंटू डेंसिटी कितनी है, यहां से उठा कर रखें डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ये 0.000591, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा ये 4.639 kg, यानी मास कितना है 4.639 kg पर मीटर, एक मीटर में, पर मीटर एक मीटर में इतना है, ठीक है, पर मीटर के लिए हमें निकालना था कैलकुलेट 1 मीटर वेट ऑफ एम स्क्वायर पाइप, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना सिंपल है, ये हॉलो ट्यूब है या हॉलो स्क्वायर पाइप बोल लो चाहे हॉलो एमएस ट्यूब बोल लो इसको, इसका एरिया लेना है ओवरऑल एरिया बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का, तो थिकनेस इधर उधर से माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, तो उसका एक साइड आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एमएम में मीटर में सबसे पहले साइड को चेंज करेंगे मीटर में दोनों आ गया, तो बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, 0.1 का स्क्वायर 0.1 × 0.1 आ गया, ऐसे छोटे वाले का निकाल लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले निकाल के, तो हमारा ये हॉलो का ये माइनस हो गया, ये सिर्फ हमें किसका निकला एरिया, इसका निकला है, इसका एरिया निकला है हमारा ये ऑल पार्ट का, बाकी सारा माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये होल आएगी इसका हमें मतलब नहीं है, तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये खाली हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन निकला है। अब इसका एरिया निकल गया प्लस इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मीटर का निकाला है तो एक मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम आ गया। अब हमें डेंसिटी बताया, डेंसिटी सिंपल 7850 होती है स्टील की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मीटर का वेट 4.639 ऐसे ही ये निकल गया, ऐसे ही चाहे 100 mm हो चाहे 200, 150, 300 कितना भी बड़ा एरिया पाइप हो ये स्क्वायर में सबका ये फंडा रहेगा, सबका हम एक मीटर का लेंथ निकाल देंगे तो कितना भी पाइप लगा हुआ सबका निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऐसी वीडियो आपको और मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आप जानिए।
ठीक है ना, ये स्टोर वालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है, ये इससे बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। क्योंकि अक्सर क्या होता है, स्टोर में जो बंदा होता है, स्टोर मैनेजर होते हैं, स्टोर इंचार्ज होते हैं, उनको नहीं मालूम होता कैसे निकालना है। अगर उनको ये मेरी वीडियो देखेंगे तो हमको 101% पता चलेगा कि कोई भी एमएस का पाइप आ रहा है। अभी तो मैं ये स्क्वायर और ये सर्कुलर का मैंने बताया, अभी और भी एंगल का, प्लेट का, फ्लैट का सबको बताऊंगा।